नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों रूल 38 के लिस्ट पब्लिश्ड हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 13/6/2022 का कर्नाटका सर्कल का ये इंटर सर्कल लिस्ट है। मैसेज जो है सबको 9 तारीख को आ गए थे, 9 जून को, जिनके ट्रांसफ़र अप्रूव हुए थे। इंटर सर्कल और इंटर सर्कल दोनों इस बार एक साथ हुआ है, तो लिस्ट पब्लिश कर दिए गए हैं 13 तारीख में ही। तो मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ बारी बारी से, सबके नाम पढ़ कर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको लाइन से लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। अब सब सर्कल का ऑलमोस्ट जारी कर दिए गए हैं, धीरे धीरे मैं करके 1 से 2 दिन में सारे सर्कल का लिस्ट आपको दिखा दूंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 2 से 3 दिन लगेगा, मैं आपको सारे लिस्ट दिखा दूंगा। बहुत लोग अलग अलग जगह पर कमेंट कर रहे हैं कि ये जो डाउनलोड हो रहा है वो कहाँ से डाउनलोड हो रहा है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो PDF अभी डाउनलोड होते हैं, ये जहाँ से आप रूल 38 अप्लाई करते हैं जैसे लॉगिन करके, वहीं से ये भी डाउनलोड होगा, लेकिन ये एडमिन के लॉगिन से डाउनलोड होगा। तो जो अथॉरिटी आपके पास नहीं होगा, जो डिवीज़न में जो लोग काम कर रहे होंगे या फिर सर्कल लेवल पर जो काम करते हैं, वो लोग यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1 से 2 दिन में सारे लिस्ट मेरे पास आ जाएंगे अलग अलग सोर्स से, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, उसका PDF आपको टेलीग्राम पे एक साथ में मैं सब दे दूंगा। तब तक जैसे जैसे लिस्ट आते जाएंगे मैं वीडियो करके बना दूंगा और कुछ शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे अपडेटेड रहें, आपको सारे लिस्ट मिलते रहेंगे। अभी जितने सर्कल के आए हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, आगे जो आएंगे और भी आपको दिखा दूंगा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं बेंगलोर ने जारी किया है, कर्नाटका सर्कल ने बेंगलुरु से जारी हुआ है। इसमें जितने भी PA, HSG, LSG, SA सब लोगों ने जो लोग ट्रांसफ़र अप्लाई किया था, जिनका अप्रूव सिर्फ हुआ है, उन्हीं लोगों का इसमें नाम दिया गया है। तो एक बार नीचे देख लेते हैं लिस्ट में किनके नाम है। स्टेनो में एक कैंडिडेट है, रुविंस कुमार, इनका ट्रांसफ़र हुआ है कर्नाटका सर्कल से उत्तर प्रदेश में। HSG, LSG में कोई कैंडिडेट नहीं है। PA, SA और MMS, SA में एक बार देख लेते हैं, टोटल 23 लोग हैं PA और SA मिला के, जो कि बेंगलुरु से इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, कर्नाटका सर्कल से इंटर सर्कल ट्रांसफ़र अप्लाई किए थे और जिनका कि अप्रूवल हुआ है। पोस्टमैन और मेल गार्ड में देख लेते हैं कि इनका ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है। पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं हुआ है। ये पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS में मेन इशू आ रहा है स्टाफ शॉर्टेज का, क्योंकि मैक्सिमम डिवीज़न में इस कैडर में स्टाफ का शॉर्टेज है, इसलिए किसी का ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं हो पा रहा है, जो लोग ट्रांसफ़र अप्लाई भी कर रहे हैं। अगला जो सर्कल है वो UP सर्कल है, UP सर्कल का भी लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं इंटर सर्कल लिस्ट होगा, इसका इंट्रा सर्कल भी मैं आपको दिखा दूंगा। इंट्रा सर्कल जो लोग ट्रांसफ़र अप्लाई किए थे UP में, उन लोगों का भी लिस्ट आ चुका है। तो ये आप एक बार नीचे देख लेंगे कितने लोगों को ट्रांसफ़र मिला है UP से इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए। स्टेनो में एक कैंडिडेट हैं, हिमांशु अरोरा, इनका ट्रांसफ़र दिल्ली सर्कल के लिए हुआ है। HSG, LSG में यहाँ भी कोई कैंडिडेट नहीं है। PA, SA और MMS, SA में देख लेते हैं कितने कैंडिडेट हैं। टोटल 22 कैंडिडेट है PA और SA के कैडर में, जो लोगों को UP से किसी और सर्कल के लिए ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है। पोस्टमैन और मेल गार्ड में जो लोग हैं उनका भी एक बार देख लेते हैं। UP में भी पोस्टमैन और मेल गार्ड में और MTS में किसी का भी ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं हुआ है, UP सर्कल से भी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र में। चलते हैं नेक्स्ट सर्कल पे। जो लिस्ट आप देख रहे हैं इंट्रा सर्कल है, UP सर्कल का ही इंट्रा सर्कल लिस्ट है, जिसमें कि एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न के लिए जिन लोगों ने ट्रांसफ़र अप्लाई किया था, इसमें पहले सबसे पहले जो है PA, SA, MMS, SA इन सब के लिस्ट है। टोटल कितने कैंडिडेट हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ। टोटल 10 लोग हैं PA, SA कैडर में, जिनका कि इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है। पोस्टमैन और मेल गार्ड का देख लेते हैं। पोस्टमैन और मेल गार्ड में भी इंट्रा सर्कल में 3 लोगों का ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है, जबकि MTS में सिर्फ एक कैंडिडेट का ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है। नेक्स्ट सर्कल देखते हैं। उसके बाद जो सर्कल है वो राजस्थान सर्कल है। राजस्थान सर्कल का इंटर सर्कल और इंट्रा सर्कल दोनों लिस्ट मेरे पास आ गए हैं, तो मैं आपको पहले इंटर सर्कल लिस्ट दिखा देता हूँ। इंटर सर्कल लिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनो कैडर में कोई ट्रांसफ़र नहीं है, HSG, LSG में कोई ट्रांसफ़र नहीं है। PA, SA और MMS, SA में एक बार देख लेते हैं। टोटल 4 कैंडिडेट है जिनका PA, SA और MMS, SA में ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं कि चारों के चारों पोस्टल असिस्टेंट ही सिर्फ है, कोई सॉर्टिंग असिस्टेंट या MMS सॉर्टिंग असिस्टेंट का ट्रांसफ़र नहीं है, चारों पोस्टल असिस्टेंट और चारों लोगों को दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है। मेलगार्ड में 3 लोगों को ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है और MTS में भी एक कैंडिडेट का ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है राजस्थान से किसी और सर्कल के लिए। इंटर सर्कल लिस्ट पूरा था। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रा सर्कल लिस्ट। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं राजस्थान सर्कल का इंट्रा सर्कल लिस्ट है, इसमें एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न के लिए जिन लोगों ने ट्रांसफ़र अप्लाई किया था, ये लिस्ट में ज़्यादातर लोगों को ट्रांसफ़र मिला है। PA, SA और MMS सबसे पहले जो कैडर है वो दिया गया है। तो इसमें एक वो देख लेते हैं टोटल कितने कैंडिडेट हैं। 15 लोगों का PA, SA कैडर में इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है। इसके अलावा मेल गार्ड और पोस्टमैन जो हैं
उसमें भी दो लोगों को ट्रांसफर मिला है। MTS कैडर में टोटल 6 लोगों को ट्रांसफर मिला हुआ है जो कि इंट्रा सर्कल राजस्थान से ट्रांसफर अप्लाई किए थे, और बाकी सबका PDF आपको मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम भी नहीं ज्वाइन किया उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर ले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं अपने अगले सर्कल को। अगला जो सर्कल है वो महाराष्ट्र सर्कल है। महाराष्ट्र सर्कल का इंट्रा सर्कल लिस्ट है, मतलब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के लिए जो लोग ट्रांसफर अप्लाई किए थे उनके लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार नीचे। ये पूरा लिस्ट है PA SA और MMS SA का जून 2023 के लिए इंट्रा सर्कल लिस्ट महाराष्ट्र का, जो लोग अप्लाई किए थे। टोटल कैंडिडेट एक बार देख लेते हैं कितने लोग हैं। महाराष्ट्र में इंट्रा सर्कल ट्रांसफर में 146 कैंडिडेट को ट्रांसफर अप्रूव हो चुका है, जो कि इंट्रा सर्कल ट्रांसफर जिन लोगों ने अप्लाई किया था एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट बहुत लंबा है। PA SA कैडर का मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, 146 कैंडिडेट हैं जो PA SA कैडर में जिनको कि ट्रांसफर अप्रूव हुआ है। ऐसे ही पोस्टमैन और मेलगार्ड का भी एक बार लिस्ट देख लेते हैं कितने लोगों को ट्रांसफर मिला है। ये और मेलगार्ड में भी 21 लोगों को ट्रांसफर अप्रूव हुआ है। इसके अलावा MTS कैडर में 3 लोगों को ट्रांसफर मिला हुआ है। तो ये पूरा महाराष्ट्र का इंट्रा सर्कल लिस्ट था। जैसे जैसे और भी लिस्ट आते जाएंगे मैं अपने अगले वीडियो में बनाते जाऊंगा, और बाकी 2 से 3 दिन का वेट कीजिए। मैं सबके लिस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा या वीडियो बना के यहाँ यूट्यूब पर दे दूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जैसे जैसे लिस्ट आते जाएगा मैं सब पे वीडियो बनाते जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।